गाइस क्या आपको पता है हम लोग ओल्ड पिक जो है ना उसे गेम में वापस ला सकते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आप एक ओल्ड फ्री फायर प्लेयर हो तो आपके भाई मेमोरी होगी ओल्ड पिक से। आज की वीडियो में आप लोगों को ऐसी चीज बताऊंगा जिससे हमारा ओल्ड पिक हम अभी भी खेल सकते हैं। अब उसे आप ग्लिच कहो या जो भी कहना है वो खेल सकते हो। क्या आपको पता है ये जो नया वाला मोड आया अपने गेम के अंदर इसे न्यू फ्री फायर भी बोला जा रहा है और आप लोगों ने यूट्यूब में कहीं ना कहीं से देखा ही होगा। तो आपके मन में चलता होगा भाई कि हम इस मोड को खेल के आ सकते हैं। और जब मैंने पर्सनली से खेला तो भाई खेलने में सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैं आप लोगों को 2 मिनट में ये भी सिखा दूंगा कि आप लोगों इस मोड को खेलना कैसे है। आज की वीडियो में ऐसे कमाल की चीजों के बारे में बात करने वाला जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। इसलिए आज की वीडियो का टॉपिक है थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 5। गाइस सभी को ये तो पता ही है कि OB41 अपडेट के बाद से हमारे गेम में वेपन लॉरी बैच आ चुका है डिस्ट्रिक्ट का। मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो? मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का वेपन लॉरी बैच आ चुका है। और वैसे अपना जाने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसका वेपन लॉरी बैच आ चुका है। लेकिन अगर आप वेपन लॉरी सेक्शन में जाकर देखोगे तो यहां पे महाराष्ट्र दिख रहा है मुझे और इंडिया दिख रहा है। तो भाई वो वेपन लॉरी वाला कहां है? मतलब वो तो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो गाइस अगर आपके भी नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे इसको इनेबल कर सकते हो। तो यहां पे आप लोगों को लोकेशन वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। लोकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर यहां पे सब डिवीजन देखने मिलेगा और सब डिवीजन में आप लोगों को सिलेक्ट करना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो। तो मैं चंद्रपुर में, तो मैं चंद्रपुर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं कंफर्म कर देता हूं। नीचे यहां पे ले लिया, आप देख दो गरेना फ्री फायर ये कह रहा है कि जो चेंजेस है वो इफेक्ट करेंगे मंडे से। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जो वेपन लॉरी का जितना भी सिस्टम होता है ना तो वो हर मंडे अपडेट होता है कि आपकी रैंकिंग क्या है। सपोज मैं नंबर 1 पे हूं तो अगले मंडे में मेरे को चेंज करके भाई नंबर 2 नंबर 3 इफेक्ट दिया जाएगा अगर मेरे से कोई ऊपर आया है तो। हर मंडे को चेंज होता है तो आप लोग अभी से अप्लाई कर दो ताकि जो अगले मंडे आएगा उस टाइम आप लोगों को चेंजेस देखने मिल जाए और क्या पता आपके पास वेपन लॉरी बैच आ जाए। और जहां तक मुझे लग रहा है वेपन लॉरी बैच जो डिवीजन का होगा उसमें पर्पल कलर जैसा कुछ रहेगा। मतलब जो कलर होता है ना ग्लोरी का, ग्लोरी बैच का, वो पर्पल रहेगा। वैसे इंडिया का जो होता है ऑल ओवर इंडिया का वो कुछ ऐसा रेड टाइप का होता है और जो स्टेट लेवल का होता है ये कुछ इस टाइप का होता है। फ्री फायर नंबर 4। गेटर फ्री फायर ने एक ऐसी चीज कर दी जो कि पिछले 6 सालों में उन्होंने आज तक कभी नहीं की थी। अभी के टाइम पे गेटर फ्री फायर का 6th एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुका है। मतलब गेटर फ्री फायर को 6 साल कंप्लीट हो चुका है। भाई लोग पिछले 6 साल में गेटर फ्री फायर ने ये चीज नहीं किया जो कि आज के टाइम पे किया है। अब आप गेटर फ्री फायर के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाकर देखोगे तो वहां पे उन्होंने जो लोगो है उसे चेंज कर दिया और वहां पे 76 इंडिपेंडेंस डे का एक लोगो लगा रखा है। वही सेम चीज इंस्टाग्राम के भी लोगो में दिखेगा। अब सबसे मेन चीज ये है कि पिछले साल तो आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं किया था और इस बार आप बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहे हो। भाई इसका मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम पहले आप लोगों ने फ्री फायर में काफी सारे साइंस दिए और फिर गेम में आपने बहुत बड़ा चेंज किया रेड नंबर को हटा के। तो ये सब ऐसे ही तो नहीं कर रहे ना। अब भाई आप लोग बोलोगे नहीं यार फ्री फायर तो ऐसे करते रहता है, तो मतलब करते रहता है कब करता है भाई? अभी रिसेंटली कुछ तो कर रहा है भाई। इससे पहले तो पूरी तरह शांत बैठा था फ्री फायर। तो भाई ये एक साइन है कि वो किसी का साइन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बट हाँ वी कैन से कि भाई बहुत जल्द हमारा जो है, हाँ सही सुन रहे हो, आने वाला है। इतने सारे साइंस दे दिए, इतने सारे सिग्नेचर मिल गए आप लोगों को, फिर भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन और रुको, एक और नया साइन आ जाएगा। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 3। गाइस आप लोगों को ये वाला मोड पता होगा, आपने काफी बार देखा होगा। एक्चुअली इस मोड का मतलब जो ये खेल रहे हैं ना इसका एक स्टाइल होता है, इस स्टाइल का नाम है FPP स्टाइल। मतलब इसे FPP मोड भी कह सकते हो। FPP का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। और जो नॉर्मल फ्री फायर है ये जो आप नॉर्मल बैकग्राउंड में देख रहे हो इसे कहते हैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, मतलब TPP। तो नया टाइप का फ्री फायर आया है FPP में, इसे हम खेल सकते हैं। तो देखो भाई आपको सबसे पहले जाना है ग्राफ लाइन में। यहाँ पे आप लोगों को एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा सर्च वाले पे। तो यहाँ पे आपको कोड डालना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज कमेंट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप जाके कॉपी कर सकते हो। अगर आपसे कॉपी नहीं होता है तो यहाँ से आप सिंपली जो दिख रहा है स्क्रीन में उसको लिख भी लेना। सिंपली गाइस यहाँ से आप लोग अपने गेम को शुरू कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने एनिमीज जो आएंगे वो आपको दिखेंगे, मतलब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, अनलिमिटेड कस्टम वाला रहेगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, डुओ रहेगा शायद से ये, और आपके टीममेट खेलोगे और मींस एकदम नया टाइप लग गया। ऐसा लगे भाई ये कोई नया फ्री फायर है। और सच बात कहूं तो मुझे ये खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और यार क्या ही बोले, मतलब सच बात कहूं तो यार ये जो ठीक है तो सबसे पहली बात तो बहुत नई चीज है फ्री फायर के लिए, जो फ्री फायर प्लेयर्स है उनके लिए सबसे पहली बात तो बहुत ही नई चीज है। FPP कभी था ही नहीं फ्री फायर में, और जिस बंदे ने भी इस मोड को बनाया है ना, आई डोंट थिंक सो ये गेना फ्री फायर का ऑफिशियल ने बनाया होगा, किसी बंदे ने बनाया होगा क्राफ्ट लाइन में, तो भाई मान गया सलूट। और इस गेम की खास बात ये, मतलब स्पेशली इस मोड की खास बात ये है कि सबसे पहले 25 बार कौन मरता है वो हार जाएगा। सबसे पहले 25 बार जो मारेगा सामने वालों को उसकी टीम जीत जाती है। गन्स वगैरह है तो जहां पे आप लैंड करोगे ना वहीं पे आपको स्कोर का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने गन्स आ जाएंगे क्योंकि सब कुछ फ्री में रहेंगे और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कॉइन्स भी देखने मिल जाते हैं। यार आप लोगों ने खेला या फिर नहीं वाला मोड मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप लोगों ने नहीं खेला है तो भाई जाके खेलो, सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हो मतलब आपको वीडियो पसंद आ ही रहा होगा तो क्या करो मेरे भाई लोग जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोग फ्री फायर नंबर 2, अब ये क्वेश्चन सब लोगों के माइंड में आता ही होगा, जब फ्री फायर कमबैक करेगा तो क्या फ्री फायर में फ्यूचर है हमारा, फ्री फायर का पैसा क्रेज आएगा? तो ये दोनों चीज का आंसर मैं आपको क्लियरली देता हूँ एंड मैं जो बोल रहा हूँ वही होने वाला है। आप बोलोगे भाई तू भगवान थोड़ा है, लेकिन यार एक लॉजिकल नाम की भी चीज होती है, एक ब्रेन नाम का भी एक तत्व है हमारे दिमाग के अंदर जो कि यूज करना चाहिए हर टाइम पे। तो बात करते पहले क्रेज, तो पहली बात तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो जो लॉकडाउन में क्रेज था फ्री फायर का या फिर जो भी गेमिंग का वैसा होगा तो वैसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई मैक्सिमम बच्चे हैं वो अभी स्कूल जाते हैं तो स्कूल है फिर ट्यूशन है तो गेम खेलने का उनको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो 24 घंटे में शायद से वो 1.5-2 घंटा गेम खेल पाएंगे। तो आपको नए नए आपके पुराने पुराने जो टीममेट्स हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले की तरह नहीं कि भाई सुबह उठा मैसेज किया और गेम खेलना शुरू कर दिया, तो वो चीज तो आप भूल ही जाओ। मैं मानता हूं क्रेज आएगा लेकिन पहले की तरह नहीं, और क्रेज इतना जरूर आएगा कि हमें खेलने में बहुत ज्यादा मजा। बात करते हैं फ्री फायर के फ्यूचर की, गरेना फ्री फायर का फ्यूचर क्या है? अगर गरेना फ्री
फायर का फ्यूचर क्रेज को लेके नहीं है, गरेना फ्री फायर का फ्यूचर है ई-स्पोर्ट्स को लेके। तो ई-स्पोर्ट्स आने ही वाला है, बहुत सारे लीक्स आए ई-स्पोर्ट्स को लेके, तो ई-स्पोर्ट्स तो आ ही जाएगा। और बात रही फ्यूचर की, तो आप लोग फ्यूचर किस में देखते हो, यूट्यूब में देखते हो या फिर आप ई-स्पोर्ट्स में देखते हो, या फिर आप अपने गेम के जो आईडी है उसका फ्यूचर देखते हो कि मेरे अकाउंट में कितना रेयर बंडल है कितना नहीं। अगर आप ऐसे फ्यूचर देख रहे हो तो फिर तो भाई फ्री फायर कोई फ्यूचर ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ई-स्पोर्ट्स में मुझे फ्यूचर देखना है, फिर यूट्यूब में फ्यूचर देखना है, इस कहने का मतलब ये है कि फ्री फायर का आगे बहुत बड़ा स्कोप है यार। ऐसा मत सोचो कि फ्री फायर का दी एंड हो गया। स्टूडेंट व्हाट फ्री फायर नंबर 1 अपना ओल्ड पिक, जो कि ओल्ड फ्री फायर का एक इमोशन है, और ओल्ड पिक में जो ब्रोकन हाउस है ये तो सबसे बड़ा इमोशन है। काफी लोगों को ये कहना था कि भाई ठीक है नया पिक लाओ, लेकिन प्लीज ब्रोकन हाउस को जैसा का तैसा छोड़ो। लेकिन भाई नया पिक तो ला ही दिया गया और ब्रोकन हाउस को भी हटा ही दिया गया। तो मैं आप लोग बता दूं, आप लोग क्या बर्मोरा रिमास्टर के बारे में भूल गए हो? नहीं, बर्मोरा रिमास्टर है। अब यहाँ पे देखो, जो बर्मोरा रिमास्टर है अभी के टाइम पे हमारे गेम में ये मैप नहीं है। क्लासिक में अगर आप देखोगे तो सभी मैप है, 5 के 5 मैप है, लेकिन एक बर्मोरा रिमास्टर वाला मैप नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप पहले देख लो कि बर्मोरा रिमास्टर में जो पिक है वो थोड़ा सा चेंज है। जो क्लासिक बर्मोरा में जो हुआ करता ना पिक, पुराना वाला अपना पिक, तो उसे थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसमें ब्रोकन हाउस है, डबल डोर है, मल्टी विंडो है, सब कुछ तो है यार। मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई बर्मोरा रिमास्टर के साथ हमारी कोई इमोशंस नहीं है, बर्मोरा रिमास्टर के साथ हमारी कोई ओल्ड मेमोरीज नहीं है ना। अब जो नया पिक आ चुका है, अब उस मैप के अंदर हम कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो डिमांड कर सकते हैं ना फ्री फायर से कि हमें बर्मोरा रिमास्टर्ड रैंक गेम में चाहिए। और ये हो भी सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली परगेट्री को लाया गया। डिमांड किसकी थी? हम ऑडियंस की। तो परगेट्री को लाया गया, तो हम ऐसा क्यों डिमांड नहीं कर सकते कि भाई अगले अपडेट में हम लोग को बर्मोरा रिमास्टर्ड चाहिए, क्योंकि उसमें ओल्ड पिक है ना। हाँ, मैं मानता हूं बर्मोरा रिमास्टर के जो पिक में काफी सारी जगह को चेंज कर दिया है, मतलब जो नए नए जगह है, बट फिर भी जो हमारे ओल्ड इमोशंस है ब्रोकन हाउस में, मल्टी विंडो में और डबल डोर में, ये तीन मेन जगह तो है भाई, तो और क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को बस डिमांड करने गए ना फ्री फायर से कि अब हमें बर्मोरा रिमास्टर्ड चाहिए। लेकिन याद रखना कि अभी डिमांड करने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा टाइम दो, अपडेट वगैरह आने दो। अभी फ्री फायर के ऑफिसर्स खुद कुछ काम में बिजी है, अभी बोलोगे तो भाई मुझे गालियां पड़ जाएगी कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला ऑडियंस। आप लोग आज कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल सेट कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।